क्या मेरे बेटे की जान लेकर अपनी जान छुड़ाना चाहती हो? क्या हुआ तुम्हें मुर्तसिम, तुम ठीक तो हो ना बेटा? बिल्कुल ठीक हूँ माँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। मछली ना खाते तो इतनी बुरी हालत नहीं होती तुम्हारी। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी मर जाती। क्या हुआ मीरा, क्यों किया तुमने ऐसा? इसमें मीरब की कोई गलती नहीं है, उसको नहीं पता था। मैं तुम्हें बता रही हूँ, उसने जानबूझकर ऐसे किया है। मीरब, तुम क्यों अपने शौहर की जान लेने पे तुली हुई हो और क्यों हमें जलील करने के नए नए तरीके ढूंढती हो? क्योंकि ये यहाँ से भागना चाहती है और रुकावट मेरा बेटा है इसके रास्ते में। कुछ नहीं हुआ मुझे, आपके सामने खड़ा हूँ जिंदा सलामत ठीक ठाक। एक छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं आप लोग? क्योंकि मछली तुमने मीरब के इंसिस्ट करने पे खाई थी ना, मछली बनती ना तुम्हारी तबीयत। नहीं, अपनी मर्जी का मालिक हूं मैं, अपनी मर्जी से मछली खाई थी मैंने। अगर ऐसी चीज बनती ना तो क्यों खाते तुम? अगर कोई चीज मुझे सूट नहीं करती तो उसका ये मतलब नहीं कि बाकी घर वालों के लिए वो हराम हो जाएगी। हया माँ, मीरब अपनी मर्जी से इस घर में नहीं आई, लेकिन अपनी मर्जी से वो इस घर में रह सकती है और ये हक उसे मैं देता हूं। अगर किसी को कोई एतराज है तो अभी मुझे बताए। तुम्हारी फिक्र है हमें, मां हूं तुम्हारी मैं। मां मैं बस भूल जाओ ये सब। सॉरी यार। भूल जाऊं? तुम्हारे नाम पे इतनी इंसल्ट हुई है और तुम कह रहे हो कि मैं भूल जाऊं? आई मीन सीरियसली मीरा।